नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करेंगे अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स के बारे में। आज के सेशन में आपको यहां पे तेजी देखने को मिल रही है, बट खबरें आज भी कुछ पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज अदानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स कहीं ना कहीं हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप अदानी ट्रांसमिशन देखिए, अदानी पोर्ट्स देखिए, अदानी कहीं ना कहीं इस समय टोटल गैस एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 10% के लोअर सर्किट पे ही खड़ा है। अदरवाइज बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स आज के सेशन में आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। अदानी विलमार एंड अदानी पावर भी अपने लोअर सर्किट पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर है। अदानी ट्रांसमिशन ने भी अपनी सारी तेजी गवा दी है। ऑलमोस्ट आज 1835 का हाई लगा के 1725 पे आ चुका है अभी, एंड नीचे में 1557 का लो दिखा है। तो काफी वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है आपको। अदानी एंटरप्राइजेस 3000 रुपए के लेवल्स पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां खबर आज भी पॉजिटिव नहीं आई है। इनफैक्ट मैं आज एक मनी कंट्रोल पे हेडलाइन आई थी, वो मैंने डिटेल ओपन करने की कोशिश करी बट मेरे को दिखी नहीं। वहां इस प्रकार की हेडलाइन भी थी कि अदानी पोर्ट्स ने एडिशनल प्लेज क्रिएट करा है 0.57% इक्विटी शेयर्स का कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप को, आई थिंक तो। बट इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने जब ओपन करा तो वो मुझे शो नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने एक अनाउंसमेंट करी कि इस गिरावट में हम अपने ही स्टॉक्स को बायबैक करेंगे। लाइक अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स में एक बायबैक की अनाउंसमेंट आती हुई दिखी, एंड वहां पे आज क्लियरली मेंशन हो गया कि कोई बायबैक प्लान नहीं कर रहे हम अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। तो ये भी एक जो लोगों के मन में था कि हाँ यार मार्केट की गिरावट में खुद अदानी ग्रुप खरीद रहा है स्टॉक्स को, वो भी एक तरीके से आज डिनाय करते हुए दिखे। अदानी पोर्ट्स की तरफ से कमेंट्री आई कि अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स में अभी इस समय बायबैक का कोई प्लान नहीं चल रहा है। एक और बड़ा झटका जो अदानी ग्रुप की तरफ से इनके जो ओनर है गौतम अदानी जी, उनको लगता हुआ दिखा है। वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन दे अभी इन्हें टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। तो पिछले 3 दिन में जो वेल्थ इनकी डिस्ट्रॉय हुई है वो इस प्रकार हुई है कि अब ये टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। एंड कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत देश के हमारे एक थे और अब वो भी नहीं रहे, तो ये मतलब नेगेटिव वे में, बट इससे फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है एंड इन्वेस्टर्स को ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर आपको कुछ और चीजें बताऊं, मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि अदानी पावर का शेयर मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं बट बिक नहीं पा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है, सिंपल है कि भाई स्टॉक लोअर सर्किट पे खड़ा है एंड जब तक वो सर्किट ओपन नहीं होगा तब तक स्टॉक नहीं बिकेगा। सारे के सारे सेलर हैं इस समय, कोई बायर है ही नहीं। अगर आप वहां पे डेप्थ में जाके क्वांटिटी देखोगे तो कोई बायर नहीं शो होगा आपको, इसीलिए जब आप बेचने की कोशिश कर रहे हो तो आपका शेयर बिक ही नहीं पाएगा। चाहे अदानी पावर को कोशिश करो, अदानी विलमार या फिर अदानी टोटल गैस। सर्किट का मतलब यही होता है, लोअर सर्किट मीन सारे के सारे सेलर्स हैं इसलिए वो नीचे खड़ा है स्टॉक, एंड अब वो कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप बेचने की कोशिश करोगे नहीं बिकेगा। वहीं अगर अपर सर्किट होता है तो दैट मीन सारे के सारे बायर्स हैं, अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो वो स्टॉक सेल नहीं होगा, सॉरी बाय नहीं होगा, सेल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि मेरे हिसाब से अब आपको बेचना नहीं चाहिए जो स्टॉक सर्किट पे खड़े हैं। जो ओपन है उन्हें आप ट्रेड कर लीजिए, बट जैसे अदानी पावर हो गया, अदानी विलमार हो गया, ये सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहे हैं, आप पहली बार बेचने की कोशिश करोगे बिकेंगे नहीं, एंड सेकंड थिंग अगर ये बिकते हैं तो दैट मीन सर्किट खुल रहा है, और सर्किट खुलेगा तो आप डायरेक्टली लॉस बुक कर रहे हो। यानी कि मान लो अभी आपका अदानी विलमार 466 रुपए के लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे बिड लगा के छोड़ दूंगा तो ये स्टॉक मेरा तब बिकेगा जब ये 466 की जगह 470-75 जो भी 80 जब होगा तब, तो मैं बेचते ही मेरे बेचते ही स्टॉक ऊपर चला जाएगा। एंड उसके बाद जब ऊपर खुल रहा है सर्किट तो शायद कुछ पॉजिटिव खबर होगी और उसके बाद शायद ऊपर ही ऊपर जाता रहे, तो वहां आप एक डायरेक्ट लॉस बुक कर लोगे। और सबसे ज्यादा दर्द यही चीज देती है कि हमारे बेचते शेयर ऊपर जाने लगे, तो जब सर्किट खुले उसके बाद ही आप बेचना, जब तक सर्किट ना खुले तब तक बिड लगा के छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो आज इसके एफपीओ का आखिरी दिन है और एफपीओ में कोई भी खास या बड़ा अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। 20,000 करोड़ की जुटाने की इनकी उम्मीद थी जिसके सामने मुझे लगता है अराउंड 10,000 करोड़ समथिंग ही मिले हैं, क्योंकि 6,000 करोड़ तो इन्हें एंकर बुक से मिल गए, उसके बाद तो 3% टोटल भरा है इनका एफपीओ। आज के सेशन में काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है आपको, लगभग 3044 का हाई लगा के 2981 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 2900 का नीचे में लो लगाया, और जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी वॉलिटिलिटी भी कम होती जाएगी। अगले हफ्ते से कोई भी फ्रेश खबर ही इन स्टॉक्स को ऊपर या नीचे करेगी, अदरवाइज स्टॉक नॉर्मल ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो अदानी टोटल गैस का कंटिन्यू गिरता हुआ दिख रहा है, और अदानी टोटल गैस 20% के सर्किट से सर्किट फिल्टर हुआ, 10% का लगा और आज फिर से उसमें सर्किट ही लग गया है लोअर सर्किट पे। अकेला ऐसा स्टॉक है जो अपने सर्किट को बिल्कुल नहीं खोल रहा है, अदानी पावर और अदानी विलमार को छोड़ दिया जाए तो। अंबुजा सीमेंट में भी तेजी देखने को मिल रही है,
जो भी एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं उनमें तेजी देखने को मिल रही है। एफआईआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं, अभी भी कुछ पॉजिटिव आया नहीं है। सेबी की तरफ से क्लियरली मेंशन है कि अभी तक हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला है और कुछ भी खराब नहीं मिला है, तो कमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे ही कोई डिटेल आती है फर्दर वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी की यही डिटेल है कि इन स्टॉक्स में अभी आप कोई ट्रेड ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।